क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक ऊंची जाति के धनी परिवार की माँ ने अपने बेटे को वसीयत से बेदखल कर दिया। इसलिए नहीं कि वो आवारा या बदमाश है, बल्कि इसलिए कि वो जरूरत से ज्यादा अच्छा है। वाराणसी के अपने पुश्तैनी मकान का एक बड़ा हिस्सा उसने दलितों के उत्थान में जुटी एक संस्था को दान कर दिया। हुजूर को पहले भी 5 साल के लिए माँ बाप घर से निकाल चुके हैं। बीते 20-25 सालों से दलितों और दबे कुचलों के उत्थान में जुटे और भविष्य में नोबेल पुरस्कार के प्रबल दावेदारों में से एक वाराणसी के दमदार और सहृदय इंसान का नाम है डॉक्टर लेनिन रघुवंशी। वाराणसी से सटे अनेई गांव की चंदा वनवासी पति हाल में ही बंधुआ मजदूरी से छूटा है और चंदा इस बदलाव से संतुष्ट है, खासकर मिट्टी की मड़ई की जगह पक्का घर बन जाने से। पहले तो बहुत गरीब रह लीजा, अब तो बहुत बदलाव हो गया हमरे सब में। मड़ई रहल, मड़ई से पक्का बन गया, बहुत बदलाव आल। लड़की लड़का पढ़े जाते रहे, वो भी भगाए जाते स्कूल से। अब तो साथ में पढ़ाते हैं, खाना पीना कपड़ा किताब कलम सब कुछ मिला, तब बहुत बदलाव आल। पत्नी चंदा ने तो विस्तार से बताया, पर पति साधु का जवाब हाँ ना में ही रहा। बंधुआ मजदूर थे पहले? पहले थे, अभी हैं? नहीं। बीते 20-25 सालों से अनवरत डॉक्टर लेनिन रघुवंशी और उनकी संस्थाओं द्वारा दबे कुचलों के उत्थान के लिए जारी काम की बदौलत अब तक लगभग 37,000 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया जा चुका है। हजारों लोगों को पुलिस उत्पीड़न, जातिगत हिंसा और शोषण, कुपोषण तथा घरेलू हिंसा जैसी कई यातनाओं से मुक्त कराया गया है। इन सब के एवज में करीब बीते 2 दशकों में संबंधित लोगों को 208 करोड़ रुपयों का भुगतान कराया जा चुका है। यह भुगतान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC की मदद से राज्य सरकारों द्वारा कराया गया है। साथ ही शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए हैं, भूमिहीन दलितों को जमीन बांटे गए हैं और उन परिवारों को किचन गार्डन बनाने को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। बधुआ मजदूरी से जैसे हम लोग 37,000 बधुआ मजदूर छुड़ाए, तो जब हम कहते हैं 37,000 बधुआ मजदूर छुड़ाने का मतलब आप समझिएगा कि एक बधुआ मजदूर को 20,000 रुपया मिनिमम मिलता है। अगर 80-80 लग गया तो 60 और मिल गया, तो 80 पति पत्नी छूट गए तो 80-80 160,000। 208 करोड़ रुपए का हम लोग ने कंपनसेशन दिलवाया ऐसे सभी लोग जिनके मानव अधिकार के उल्लंघन, उसमें हर तरह के केस है। ये अच्छा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के काम से कैसे एक कम्युनिटी ग्रो कर रही है, जो सरकार की वेलफेयर स्कीम है उसका कैसे फायदा उठा के जो गरीबी मधुआगिरी में फंसे हुए थे वहाँ से निकल के एक भारत के नागरिक की तरह जिंदगी। समाज के सबसे दबे कुचले मुसहर समुदाय के लोग डॉक्टर लेनिन और उनके काम के महत्व को स्वीकारते हैं। मंगला भैया आए, सब लोग डॉक्टर लेनिन आए, तो डर हटा, हम लोग को हटा। 10 साल से आए हुए हैं, 10-15 साल से, तब डर हटा, तब सब बोलने लगे। नहीं तो कहाँ यहाँ बोल रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोल रहे थे, सब डर थे। यहाँ खाना नहीं पकता था सही से, नहीं कुछ हो रहा था, सब कोई आके कह दे कि नहीं चलो यहाँ चलना है, वहाँ चले जाए सब लोग। तवा पे तवा रोटी यही जल जाती थी। ये तो इनके आने से हुए, तो ये इतना गलीमत हुआ है हम लोग की। पूर्वांचल के कई गांवों में समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के बीच डॉक्टर लेनिन और उनकी टीम के लोगों द्वारा किए जा रहे काम का असर साफ दिखने लगा है। पीपल्स विजिलेंस कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स यानी PVCHR और जनमित्र न्यास वे हथियार हैं जिनके जरिए लेनिन रघुवंशी और इनकी टीम दलितों और दबे कुचलों की भलाई में बीते 2 दशकों से अनवरत जुटी है। डॉक्टर लेनिन रघुवंशी का जन्म वाराणसी के पास के एक गांव धौरहरा में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों वाले
दबंग राजपूत परिवार में हुआ, पर बचपन से ही उन्हें नीचे तबके के लोगों से लगाव था, जिसके चलते वो परिवार के बड़े बूढ़ों से अक्सर डांट खाते थे। घर में गांधीवादी दादाजी और कम्युनिस्ट पिता की नोकझोंक के बीच बड़े हुए लेनिन ने उसी समय आजीवन राजनीति से दूरी बनाए रखने का प्रण ले लिया। 1989 में वो यूनाइटेड नेशंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और 1993 में उसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बने। कालांतर में वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से BAMS की डिग्री हासिल कर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, पर डॉक्टरी करने की बजाय वे सामाजिक सरोकार से जुड़ते चले गए, जिसके चलते माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। कुछ सालों बाद ही घर वालों ने वापस स्वीकार किया, पर तब तक सोशल एक्टिविज्म या सामाजिक सक्रियता ही उनका जीवन बन चुका था। जमींदारी खोने के बाद भी एक सत्ता है हमारी, जो दो सत्ता में नहीं है, जो गांधी जी कहते थे कि तालिस्मान में कि आखिरी आदमी को क्या मिला, वो महत्वपूर्ण चीज था। और इसलिए हम जो है जुड़े, जो है जाके यूनाइटेड नेशन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, हम किसी NGO से नहीं जुड़े थे, यूनाइटेड नेशन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। वहाँ से स्वामी मिल गए, स्वामी अग्निवेश को आप जानते होंगे, वहाँ से कैलाश सत्यार्थी मिल गए। नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से काफी पहले कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन के साथ डॉक्टर लेनिन 1990 के दशक में कुछ सालों के लिए जुड़े। वहीं उन्हें NGO से जुड़ी तमाम अच्छी बुरी जानकारियां मिली। तब बेहतर तरीके से समाज सेवा करने के लिए उन्होंने कैलाश सत्यार्थी से अलग अपना रास्ता चुना। समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए, उनकी पुष्टि के लिए साल 1996 में डॉक्टर लेनिन ने पीपल्स विजिलेंस कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स या PVCHR यानी मानवाधिकार जन निगरानी समिति का गठन किया। साल 1999 में अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और इसके लिए आवश्यक बैंक खातों के संचालन हेतु PVCHR द्वारा जनमित्र न्यास नाम से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का पंजीकरण हुआ। डॉक्टर लेनिन की अगुवाई में इन्हीं दोनों संस्थाओं के जरिए बीते दो दशकों से दलितों के उत्थान के तमाम कामों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे PVCHR और जनमित न्यास किर्गिद रहे हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा पीपल हो या कोई और संस्थाएं, उनके साथ जुड़ करके रही हैं। और उसी में हम लोगों ने लोगों को स्कॉलरशिप देने से लेके यातना के पीड़ितों से लेकर के बंधुआ मजदूर छुड़ाने का पूरा काम जो है हम लोगों ने किया। 72,000 मेंबरशिप है, मेंबरशिप से भी पैसा मतलब लोग उसकी ले भी देते हैं। अब PVCHR की 72,000 सदस्यता है। तो इनके कामकाज का एक रोचक पहलू साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सामने आया, जब डॉक्टर लेनिन के प्रयासों से एक बस्ती के मुसहरों ने देश की आजादी के बाद पहली बार अपने वोट डाले। 2014 में दलित लोग बहुत से गांव में जो वोट नहीं दे पा रहे थे वो वोट दिए। अच्छा, और आपको आश्चर्य होगा, हम गए गांव में, मुसहरों ने वोट दे दिया था मोदी जी को। तो हम पूछे कि काहे तुमने वोट दे दिया मोदी जी को, जी भाजपा के हम लोग खिलाफ हो ना। कहा अरे भाजपा वाजपा छोड़िए, पार्टी वाल्टी छोड़िए, सुने हैं कि छोटी जात के हैं आप लोग, 5,000 साल से मजा ले रहे हैं, आपे बताए हमको, तो अब उनको करने दीजिए 10 साल तक जो है। हमने कहा तो ये हमें लगा कि एक ट्रेंड, और इससे PVCHR का पता चला कि PVCHR समाज का काम करता है परंतु पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने के अपने प्राण पर डटे डॉक्टर लेनिन की सामाजिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप एक ओर जहां वाराणसी और आसपास के इलाकों में पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर जातिगत हत्याएं, हिंसा और शोषण पर भी लगाम लगा है। इनकी संस्थाओं की सक्रियता की एक वानगी साल 2013 में मिली, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वाराणसी में हुई सुनवाई में उत्पीड़न और शोषण के कुल 113 केस लगे थे, जिनमें 96 मामले केवल डॉक्टर लेनिन की संस्थाओं के थे। एक ऐसा गांव जहां न कोई शोषण न अत्याचार, सबको शिक्षा, समान अधिकार, लोगों के बीच कटुता नहीं बस प्यार। मैं कोई काल्पनिक कहानी या सरकारी दस्तावेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक सच्ची बात बयां कर रहा हूं। और केवल एक दो गांव नहीं, ऐसे कुल 100 गांव हैं। 100-150 और गांवों में ऐसी पहल जारी है। नाम है जन मित्र गांव।
और काम है लेनिन रघुवंशी और इनकी टीम का। साल 2000 में डॉक्टर लेनिन द्वारा शुरू की गई जन मित्र गांव की संकल्पना संघर्ष की बजाय परस्पर सहयोग पर आधारित है। मनसा जन मित्र गांव की क्या थी, कटुता खड़ा नहीं करना है। बुद्ध ने कहा था कि अगर घृणा को खत्म करना है तो घृणा से नहीं खत्म कर सकते हो, प्यार से। तो हम लोगों ने प्यार पैदा किया। पीपल्स फ्रेंडली विलेज होना चाहिए, जहां ऐसा नहीं है कि एक जो सबसे निचले पायदान पे है उसी का अधिकार मारा जा रहा है, बल्कि जो ऊपर है उसका कोई और अधिकार मारा जा रहा है। तो सब एक साथ खड़े हुए और जिसकी जितनी क्षमता है एक दूसरे को सपोर्ट करें। डॉक्टर लेनिन की अगुवाई में PVCHR और जनमित्र न्यास की टीम इस दिशा में जी जान से जुटी है और काम करने के बाद आज यहाँ पर इन लोगों को आंगनबाड़ी की सेवाएं मिलने लगी, एनएम का स्वास्थ्य टीकाकरण का सेवा मिलने लगा और इनको लगातार जुड़ जुड़ के जो यातनाएं की घटनाएं हैं वो अब एकदम बंद हो चुका है। कुपोषण और गर्भवती महिला और धात्री और गर्भवती का HRP ये सब पे लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा लगता है तब कि जब किसी को हमारी वजह से प्रॉब्लम में आराम मिलता है। 7 फील्ड में काम करती हूँ, 7 गांव में, जिसमें मेरा हेल्थ पे और न्यूट्रिशन पे काम रहता है, गर्भवती माँ से लेके बच्चों तक और किशोरियों पे काम करते हैं। PVCHR और जनमित्र न्यास का काम रंग लाने लगा है। क्या फायदा हुआ है? फायदा हुआ भल बा कि 10 किलो आटा चना मिलल बा, यह कुल मिलल बा, मट्टी के तेल 3 पौआ मिलल बा, यह कुल मिलल बा। बहुत फायदा भयल। क्या क्या? अरे घर द्वार बनल, खेत क्यारी मिलल, 2 बिस्ता 4 बिस्ता मिलल, बहुत यहाँ सभ्यता मतलब ठीक भयल। उतना मतलब दबाव में अब नहीं है हम सब। कैसन दबाव? जैसे ठकुरे बमले पर दबाव नहीं है। जब से लेनी डॉक्टर साहब यहाँ मानवाधिकार यहाँ जब से आवाजाही शुरू करें, मास्टर साहब भी आवाजाही, तब से यहाँ बहुत फर्क हो ना। लोग यहाँ खटिया पे बैठल मारे हैं, नहीं पहले तो बहुत गंदा रहा, लग के खड़ा ना हो ना बैठे हैं हमारे बिरा। अच्छा, इतना आवत आते जाते कुछ फर्क पड़ गया? असली फर्क तो पड़ा यह कि इसी मुसहर टोला का दंगा इस बार पंचायत चुनाव में ताल ठोक रहा है। आपका क्या विचार है इस चुनाव में? चुनाव में मेरे को यही विचार है कि हम एक प्रधानमंत्री बने, प्रधान बने, एक गांव का विकास करें अच्छा से। मेरा सोच ये है कि जो डर था वो डर हट जाए, मेरा ये सोच है कि डर हट जाए मुसहरों में से। जनमित्र गांव की पहल से अगड़ी जातियों की सोच में भी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमारा एक तो दिमाग बदल गया है और उस दिमाग बदलने के कारण हम इनको इंसान मानने लगे, कि एक बहुत बड़ी चीज़ बदली है इनकी, इनका बकरी बकरा, इनकी औरतें, इनकी मेहनत हमारा था, हम जब चाहते थे रात और दिन यूज कर लेते थे, अब नहीं कर पाते, अब ये हमारे पार्टनर। जनमित्र गांव के इस प्रयोग में स्व व्यथा कथा या टेस्टिमोनियल थेरेपी के जरिए दलितों की चुप्पी तोड़ने का अभिनव प्रयास किया जाता है। अनेई गांव के मुसहर टोला का यह पंपिंग सेट, बिलवा और सकरा गांव के स्कूल जैसे अनेकों उदाहरण हैं जनमित्र गांव के सफलता के। दलित शब्द का अर्थ तो हम सब जानते हैं, पर आखिर नवदलित का अभिप्राय क्या है? कॉरपोरेट और फासिज्म, इन दोनों शब्दों का अर्थ भी हम सब जानते हैं, लेकिन कॉरपोरेट फासिज्म क्या है? इन दोनों शब्द समूहों और ऐसी और भी संकल्पनाओं और शब्दों के बारे में आइए जानते हैं स्वयं लेनिन रघुवंशी से। आमतौर पर अनुसूचित जाति या SC को ही दलित शब्द के सीमित अर्थ वाली संकल्पना से अधिक व्यापक है डॉक्टर लेनिन रघुवंशी की नव दलित की परिभाषा। दलित माने केवल SC हो, नव दलित आंदोलन है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम जातिवाद का भी विरोध करेंगे, सांप्रदायिकता का, और जो गरीबी है जो नव उदारवाद के कारण आ रही है, तीनों को मिल के लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, दलित अपनी लड़ाई, औरत अपनी लड़ाई, गरीब अपनी लड़ाई, तो आप नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि देश में क्या हुआ है, यहाँ फासिज्म रिलीजियस नहीं आया, यहाँ कॉर्पोरेट फासिज्म आया है।
इस कॉर्पोरेट फासिज्म से डॉक्टर लेनिन का तात्पर्य है बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशी बड़े औद्योगिक घरानों और बची खुची बिगड़ैल सामंती ताकतों के साथ मिलकर लूटने की नीति से। धंधे कम हो रहे थे, चीजें कम हो रही थी, इसलिए भारत में आप देखेंगे कि इन्वेस्ट जो चीजें बेची जा रही है, विनिवेश की जा रही है, और इसलिए ये फासिज्म हिंदुत्व फासिज्म नहीं है, इसको हिंदुत्व बोल करके धर्म का बेइज्जती मत कीजिए। ये फासिज्म सीधे सीधे है कि लूटो भाई जो है। चीन की समस्या के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारत के बाजार पर नजर भी इस कॉर्पोरेट फासिज्म की एक प्रमुख वजह है। डॉक्टर लेनिन के अनुसार इसका मुकाबला करने के लिए दलित, आदिवासी, मुसलमान और औरत की एकता चाहिए, और इसी को वे नव दलित आंदोलन मानते हैं। काशी नगरी हमेशा से ही सर्वधर्म संभाव का एक अद्भुत उदाहरण रही है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए इसके महत्व के साथ साथ कई प्रतिष्ठित इस्लामिक धर्मावलंबियों के मुताबिक इस्लाम के लिए भी ये एक बेहद मुबारक शहर है, शायद मक्का मदीना से कम नहीं। इबादत खाने नाकुसियानस हमा ना काबे हिंदुस्तानस, ये सचमुच हिंदुस्तान का काबा है। डॉक्टर लेनिन काशी को गालिब और काबा से जोड़कर बहुलतावादी और समावेशी संस्कृति का एक अद्भुत स्थल बताते हैं। बुद्ध यहाँ पहली बार अपनी बात ज्ञान देते हैं। तीन तीर्थंकर जैनियों के होते हैं, कबीर होते हैं, रैदास होते हैं, सेननाई होती हैं, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से सीख के जाती हैं जो है। इसलिए जब आता है गालिब तो कहता है ये हिंदुस्तान का काबा है, इसके ऊपर नजर लग जाए दिल्ली की। इसी सिलसिले में डॉक्टर लेनिन एक और इस्लामी विद्वान का हवाला देते हैं। यहाँ बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर आते हैं, बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर अलबरूनी आता है, कहता है कि मेरे जैसे ही कदम पड़े मुझे समझ में आ गया था अल्लाह के सबसे पुराने शहर में मैं पहुंच चुका। इतिहास के पन्नों से बाहर आ डॉक्टर लेनिन इस सिलसिले में अपनी एक हालिया पहल का भी जिक्र करते हैं। 9 अगस्त 2014 फिर कबीर चौरा मठ में हम लोगों ने स्वामी ओमुक्तेश्वरानंद यहाँ के इमाम को, मौलाना को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, सबके लोगों को एक साथ इकट्ठा किया गया और ये कहा गया कि गंगा जी सबकी है, काशी सबका है और काशी की ही संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति। अफगानिस्तान के सरोद से लेकर बिस्मिल्ला खां की शहनाई तक की बात करते हुए डॉक्टर लेनिन काशी की समावेशी संस्कृति को दो दशकों से जातिवाद के खिलाफ जारी अपनी मुहिम से जोड़कर देखते हैं। देश को काफी गर्व हुआ था जब हमने माना कि एक भारतीय दंपत्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, पर दरअसल वह व्यक्ति भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है और उसकी पत्नी फ्रांसीसी मूल की, नाम अभिजीत बनर्जी। पर प्रबल संभावना है कि जल्दी ही एक शुद्ध भारतीय युगल को भी नोबेल पुरस्कार मिले। हमारी शुभकामनाएं हैं काशी के डॉक्टर लेनिन रघुवंशी और इनकी पत्नी श्रुति नागवंशी को। बीते दो दशकों से अपनी संस्थाओं के जरिए भारत में दबे कुचले लोगों के उत्थान में जुटे डॉक्टर लेनिन को अनेकों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जैसे साल 2000 में अमेरिका से अशोका फेलोशिप, 2007 में दक्षिण कोरिया में गुआंजू ह्यूमन राइट्स अवार्ड, 2008 में आचा स्टार पीस अवार्ड, 2010 में जर्मनी में वाइमर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड, 2016 में एम ए थॉमस अवार्ड, 2019 में पब्लिक पीस प्राइज, 2019 में ही कर्मवीर महारत्न अवार्ड और इस साल 2021 में इनका नाम इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले संभावितों की सूची में बताया जा रहा है। इस साल नोबेल पीस प्राइज वॉच कमेटी जो नोबेल पीस प्राइज पे सवाल उठा रही है 2014 से, उसने 50 लोगों की लिस्ट 60 लिस्ट लोगों को दी है, जिसमें यूपी इंडिया से दो लोग हैं और ये दो लोग हैं पीवीसीएचआर या मानवाधिकार जन निगरानी समिति के दोनों संस्थापक डॉक्टर लेनिन रघुवंशी और उनकी पत्नी श्रुति नागवंशी। साल 6 महीने बाद अगर मैं आऊं विशेष जी और मैं, और फिर तो क्या हो सकता है कि मैं नोबेल पुरस्कार विजेता से बात कर रहा हूँ?
हम तो यही चाहेंगे कि बिल्कुल इस तरह का समाचार आप लोगों को सुनाई दे और हम लोगों का काम का दायरा भी बिल्कुल उससे बढ़ेगा और ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बृहत्तर मुद्दों पे हम अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। तो अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। पूरा देश दिल थाम कर इंतजार करेगा इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की, इस उम्मीद के साथ कि वह पुरस्कार जाए काशी के इस सामाजिक सरोकार से सराबोर दंपत्ति की झोली में। काशी का अनूठा नायाब व्यक्ति, उच्च जाति के धनी प्रतिष्ठित परिवार में जन्म के बावजूद अपना पूरा जीवन निचले तबके की सेवा में समर्पित कर देने वाले डॉक्टर लेनिन रघुवंशी के बारे में जानकर हर कोई यही बोल उठेगा, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।